मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक पुरानी दरगाह को ही भगवा रंग में पोत दिया गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ भगवा फहराने का काम किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है और किस लिए, क्यों एक खास समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज मैं आपके सामने एक खबर के साथ एक पूरी रिपोर्ट लेकर आई हूँ। ये खबर क्या है और पूरी रिपोर्ट क्या है, इसको मैं पूरी चर्चा के साथ आपको बताऊंगी। मगर उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आता है। वो सवाल ये है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहाँ एक खास समुदाय को ही टारगेट क्यों किया जाता है। वहीं अगर शोषितों और पीड़ितों और दलितों की बात करें, उनके मामले में भी हुए अपराध कम नहीं है। मगर यहाँ आज मैं खास समुदाय की बात करूंगी। बात करूंगी उन मामलों पर जो घट चुके हैं अब तक और घट रहे हैं अब भी, बिना डर बिना खौफ के। पूरा मामला क्या है अब समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का एक मामला सामने आया है। नर्मदापुरम जिले को, जो कि मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सैमरी हरचंद रोड पर स्थित है, वहां पर दरगाह की दीवार और गुबंद को भगवा गुंडों द्वारा भगवा रंग से पोत दिया गया है और दरगाह के दरवाजे तोड़कर नदी में बहा दिए गए हैं। दरगाह की मीनार को भी भगवा रंग में पोत दिया गया है। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। कपड़ा धोने वाले को नहीं देता है। लोहे वाले को घुसने आता है, एक महीने के अंदर इस जिले में ये ऐसी दूसरी घटना है कि दरगाह में छेड़छाड़ की बात सामने आई है। इससे पहले भी 14 जनवरी को पंचमढ़ी में देनवा दर्शन के पास दरगाह में छेड़छाड़ की जा चुकी है और उसमें भी असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की थी। वहीं 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचे थे, तो वहां विश्वनाथ कॉरिडोर से उद्घाटन से पहले मैदागीन से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक सभी मकानों और दुकानों को भगवा रंग में रंग दिया गया था। तो उसी दौरान बुलनाला इलाके में एक मस्जिद को भी भगवा रंग में रंगे जाने का मामला सामने आया था। आखिर क्यों ऐसा एक समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों उसके पीछे सभी भगवाधारी गुंडों का ही हाथ है? ऐसा ये एक मामला नहीं है जो सामने आया है, ऐसे कई मामले हैं जो सामने आए और सत्ता में बैठी सरकार की तरफ से उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इसी समुदाय से जुड़ी वो खबरें भी बताऊंगी जहां जहां खबरें चर्चा में तो आई मगर दोगली मीडिया ने उसे अलग तरह से पेश किया, बल्कि भगवा और सत्ताधारियों के पक्ष में दिखाते हुए झूठ भी दिखाया गया। जी हाँ, आपको अलवर का पहलू खान याद है? नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। राजस्थान के अलवर शहर के पास 1 अप्रैल को ट्रैफिक भरे हाईवे पर पहलू खान को चारों ओर से घेर कर पीटे जाने का वीडियो गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसे पीटने वाले लड़के आम कस्बाई लड़कों जैसे ही थे। कुछ जीन्स टी शर्ट में थे और कुछ पैंट कमीज पहने हुए थे। पूरे विश्वास से कहना मुश्किल है पर उनमें से ज्यादातर निम्न मध्य वर्ग के परिवारों के नौजवान नजर आते हैं। वो पहलू खान को सड़क के बीच से खदेड़ते हुए पीटते हुए हाईवे के फुटपाथ पर लाते हैं। पूरे हंगामे में सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए पहलू खान फुटपाथ पर बैठ जाता है, जैसे किसी शिकारी कुत्ते के बीच घिरा हुआ कोई मेमना हो। हमलावर लड़कों के सिर पर खून सवार है और वो जितना उन्हें पीटते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है।
यहां तक कि पहलू खान और उसके साथियों को पीट पीट कर अधमरा करने के बावजूद उसके सिर से खून नहीं उतरता। बाद में खबरें छपती हैं कि पहलू खान को पुलिस अस्पताल ले गई और उसके सीने और पेट में लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। जीन्स टी शर्ट या कमीज पैंट पहने उन लड़कों ने आखिर कब ये तय किया कि वो गौमाता को कसाईयों के चंगुल से छुड़ाने के मिशन में शामिल होंगे, और जरूरी हुआ तो इसके लिए वो हर सजा भुगतने को तैयार रहेंगे। कौन सा वो पहला मौका था जब किसी ने उन्हें बताया कि गौ को बचाना और गौ को बचाने से ज्यादा गायों की खरीद फरोख्त करने वालों को आतंकित करना, उन्हें सड़कों चौराहों पर पीटना और उनकी हत्या कर देना पवित्र कर्म है। ऐसा ही एक मामला सामने आता है दिल्ली के पास दादरी इलाके में अखलाक नाम के अधेड़ को उनके घर से खींच कर निकालने और पीट पीट कर हत्या कर डालने की घटना को देश के संस्कृति मंत्री महेश चंद्र शर्मा महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य तरुण विजय अपने लेखों में अखलाक की हत्या के कारण और निवारण टाइप के लेख लिखते हैं, पर देश भर में गौ माता को बचाने और राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ कर गुजरने की शहीदी तमन्ना पाल रहे लड़कों को असली संदेशा और भरोसा तब मिलता है जब अखलाक की हत्या के एक अभियुक्त की बीमारी से जेल में मृत्यु हो जाती है और उसके शव को राष्ट्र ध्वज तिरंगे में लपेट कर सार्वजनिक रूप से ऐसे रखा जाता है जैसे उसने देश की सीमाओं पर दुश्मन से लड़ते हुए शहादत हासिल कर ली हो। हत्या के इस अभियुक्त के तिरंगे में लिपटे शव के सामने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए संस्कृति मंत्री महेश चंद्र शर्मा की तस्वीर एक बार फिर टीवी चैनलों पर अखबारों के जरिए देश भर में पहुंचती है। प्रतीक में कहें तो पहलू खान के हत्यारे टीवी पर प्रसारित इन तस्वीरों को देख रहे होते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन्य में छपे लेख को भी पढ़ रहे होते हैं, जिसमें कहा जाता है वेद का आदेश है गौ हत्या करने वाले लोगों की जान ले लो। अब बात लव जिहाद की आती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बजरंग दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम युवक और एक विवाहित हिंदू महिला को अजमेर जा रही ट्रेन से जबरन नीचे उतार दिया था, जबकि वो दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। बजरंग दल का आरोप लगाया गया कि मुस्लिम युवक महिला को बहला फुसला कर उसे अजमेर ले जा रहा था। और तो और बजरंग दल ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया, और जब बात खुली तो दोनों अच्छे और पारिवारिक मित्र निकले और पुलिस ने दोनों लड़का लड़की को निर्दोष पाया और उन्हें घर जाने दिया। आखिर लव जिहाद है क्या? क्या होता है लव जिहाद? भगवा गुंडों और बजरंग दल साथ ही सत्ताधारियों द्वारा लव जिहाद वो है जो मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्रेम या उससे शादी करे, भगवा गुंडे इसे लव जिहाद बताते हैं, और मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को जबरन अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, ऐसा कहना है बजरंग दल वालों का। जबकि इसमें लड़का लड़की दोनों की मर्जी शामिल होती है, बावजूद उसके ये भगवाधारी धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं। ऐसे ये दो मामले ही नहीं है, ऐसे कई मामले हुए हैं और सामने आए हैं, जैसा कि शाहीन बाग का आंदोलन। उस आंदोलन में भी इन भगवाधारियों द्वारा गलत साबित करने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास किए गए। वहीं उसी आंदोलन में भगवाधारियों दंगाइयों को पकड़े जाने की जगह वहीं के आंदोलनकारियों पर छात्रों पर मुकदमे दर्ज करने और उन पर NSA लगाकर जेलों में डाल दिया गया था, जो अभी तक रिहा भी नहीं हुए हैं। ऐसा ही दिल्ली दंगे में हुआ, उसमें भी मुस्लिमों को टारगेट कर पकड़ा गया और काल कोठरियों में भर दिया गया। ऐसे कई मामले हैं जो मैं बताते बताते नहीं थकूंगी, मगर आप सुनते सुनते थक जाएंगे। अखलाक से लेकर उन्नाव की दलित पीड़िता तक को आज तक न्याय नहीं मिला। अब बात करते हैं लोकतंत्र कैसे भीड़ तंत्र में बदल रहा है। फिल्म दीवार का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन यानी कि विजय वर्मा तो आपको याद ही होगा। वो हकीकत की दुनिया के कानून का पालन नहीं करता। किसी ने उस विजय वर्मा को विजिलांटे वर्मा यानी कि कानून को अपने हाथों में लेने वाला वर्मा कहा था। अब उसी एंग्री यंग मैन की जगह
अब गिरोहों और भीड़ ने ले ली है। जो सड़कों पर उमड़ आए हैं विजय वर्मा की तरह, उनका गुस्सा समाज सिस्टम और सरकार के खिलाफ नहीं होता, लेकिन विजय वर्मा की तरह वो भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं। गौ रक्षा के नाम पर हो या लव जिहाद के नाम पर या फिर एंटी रोमियो के नाम पर, कानून सभी अपने हाथों में लिए घूम रहे हैं। इन विजिलांटे ग्रुप्स को कुछ मामलों में सियासी संरक्षण हासिल है, कुछ और मामलों में पुलिस का संरक्षण तक भी हासिल है। पिछले कुछ सालों से ऐसे ही मंजर हर कुछ समय बाद देखने को मिल रहे हैं। गौ सुरक्षा के नाम पर इंसानों को पीट पीट कर जान से मारा जा रहा है। अक्सर गौ मांस खाने या रखने की अफवाहों ने हिंसा भड़काई। इन अफवाहों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया गया। गौ रक्षा और हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से बचाने वाले कथित रक्षक खुले आम सड़कों पर हथियारों को लहराते हुए घूमते रहे। बाद में दलितों के खिलाफ भी हमले शुरू हो गए। अक्सर ऐसे कांडों में राज्य सरकारें खामोश तमाशाई बनी रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सिर्फ एक बार बयान दिया। लोग उनसे कड़े शब्द और उससे भी कड़े कदम उठाने की आशा करते थे। प्रशासन कमजोर नजर आते हैं और पुलिस बेबस। इस सभी पर मोदी की चुप्पी जनता को सोचने पर मजबूर करती है। इन सब के अलावा कहीं कोई विधायक किसी पुलिस वाले को पीट देता है तो कहीं हिंसा पर उतारू भीड़ जिला मजिस्ट्रेट को थप्पड़ रसीद कर देती है। कहीं सांसद एक पुलिस अधिकारी के घर हल्ला बोल देता है जहां उसके समर्थक तोड़फोड़ करने में जुट जाते हैं। क्या इससे देश में अराजकता नहीं फैल रही है? क्या ये कानून और व्यवस्था एक भयंकर संकट की शुरुआत नहीं है? क्या ये जंगल राज का ट्रेलर नहीं है? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये पुलिस के असर और उसके अधिकार को कमजोर नहीं करता है? सीबीआई में आला अधिकार रह चुके एनके सिंह के अनुसार पुलिस पीड़ितों को बकायदा प्राण दंड देने वाली भीड़ से बचाने में नाकाम रही है। अखलाक अहमद को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकी। जिन्होंने अखलाक अहमद को मारा वो आज आजाद घूम रहे हैं। पहलू खान और अखलाक के हमलावरों को ये भरोसा खुद से नहीं मिला, बल्कि समाज के प्रतिष्ठित लोग उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं। सड़क चलते न्याय करने वाली भीड़ आखिर कैसे काम करती है? सत्ता और शासन कैसे उन्हें मदद करता है? कैसे सोशल मीडिया ऐसे विजिलांटी समूहों के लिए अफवाहों को सच मानने और सच को अफवाह में बदल देने का काम करता है? ये आपको इस पूरी रिपोर्ट से पता चल ही गया होगा किस तरह का जंगल राज देश में अपने पैर पसार चुका है। अगर अब भी आप नहीं जागे तो अगला नंबर हम आप में से किसी एक का होगा। शुक्रिया।